तो ये है मारुति सुजुकी की ब्रेजा LXi CNG वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल है और इसके फीचर्स अगर आप जानेंगे तो कसम से आपको बता रहा हूँ कि यही गाड़ी आप खरीदेंगे। इतने कम प्राइस में बढ़िया मिड साइज SUV आप ले सकते हैं, पूरा फुल मज़ा ले सकते हो आप। और ये एक ऐसी गाड़ी भाई कि ऑफ रोडर पर समझ लो कि बाप है, मज़ा आ जाएगा, सबका बाप है। 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का है और ये जो गाड़ी है डिज़ायर फेसलिफ्ट 2024 का मॉडल है। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस और उसका आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई का फ़र्क है, यानी कि ऑफ रोड पर ये गाड़ी तो नहीं उतनी कंपेटेबल हो गई, बट ये गाड़ी भाई SUV का बाप है। 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है और मज़ा आ जाएगा। ऑफ रोड पर या ख़राब सड़कों पर भी आप मज़े से चल सकते हो। जैसे कि हमारी जो गाड़ी है रेनॉल्ट की काइगर है वो 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस यानी इससे भी 7 mm ज़्यादा और 1200-1400 किलोमीटर गया भैया नॉन स्टॉप, मज़ा आ गया। समझ लो कि ऊंचाई ऊंची गाड़ी लेने का बहुत फ़ायदा रहता है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ भाई। बट मेरी जो पर्सनल राय है यही गाड़ी के लिए है और इस यानी कि जो सेडान गाड़ी होती है उसमें यार मेरा मतलब ना बैठने में कम्फर्ट रहता है और ना ही आपको लॉन्ग राइड में मज़ा देगी, बट ये गाड़ी आपको पूरा फुल मज़ा देने वाली है। तो ये जो गाड़ी है ये है ब्रेजा CNG LXi CNG में है, 1462 cc 4 सिलेंडर इंजन इसका रहता है और मैक्सिमम जो पावर है CNG में 64.6 किलोवाट का रहेगा, 87.8 PS का पावर और पेट्रोल पे 74 किलोवाट और 100.6 PS का पावर देता है। टॉर्क जो है पेट्रोल में 136 Nm का दिया गया है, ये बहुत ज़बरदस्त 5 गियर की गाड़ी आती है और माइलेज आपको 25.51 का देती है पेट्रोल में, ये एक चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। तो LXi जो वेरिएंट है इसमें आपको कई सारे फीचर्स जो मिल जाते हैं जो आपकी ज़रूरत की है, बाकी ज़रा सा चीज़ें जो है वो नहीं मिलती हैं वो आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। तो सबसे सस्ती आपको ब्रेजा मिल जाएगी, कोई नहीं बोलेगा कि ये बेस मॉडल है या LXi है। और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट रहने वाला है, यहाँ पर इंडिकेटर आपको बल्ब पर, पायलट लाइट भी बल्ब पर, हेलोजन बेस पर प्रोजेक्टर हेडलाइट पर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। हेडलाइट बहुत ही प्यारी है, यहाँ पर देखिए क्रोम के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर ये पूरा क्रोम आएगा, यहाँ पर क्रोम आएगा, सुजुकी की ब्रांडिंग आएगी। तो फ्रंट आपका पूरा कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर बढ़िया ग्रे कलर आएगा, ये देखिए आप पूरा ये पूरा ग्रे, यहाँ पर भी टेल लाइट जो है हेडलाइट पूरी सेम रहेगी, फॉग लैंप की यहाँ पर जगह भी दी है, बट आप चाहें तो आफ्टर मार्केट या शोरूम से ही लगवा सकते हैं, यानी कि बेस में भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाड़ी कुछ इस तरह से सामने दिखने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो है मैट ब्लैक फिनिश पे पूरी ग्रिल रहेगी, हॉर्न इसका यहाँ पर दिया है, इस तरह से आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं। तो सामने से बहुत ही ज़बरदस्त देगी, बोनट देखिए कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको बोनट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी मजबूती भी मिलेगी। और सामने का विंडो इस तरह से रहेगा, 2 वाइपर वाशर है, यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम का सेटअप दिया है, CNG गाड़ी है यहाँ पर देख सकते हैं। और बेस मॉडल में भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलता है ORVM पे और भी बॉडी कलर पर, ये बेस मॉडल में सबसे खास बात है। आप साइड देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक वर्क आपको देखिए यहां पर व्हील के पहिए के ऊपर मिलेगा पूरा, और डोर की क्लेडिंग यानी कि नीचे डोर पे मिलेगा और यहां पर भी डोर पे दिया गया है, ये देखिए पूरा यहां पर भी पूरा इस तरह से, यहां पर भी पीछे, यानी कि सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी भी एकदम तगड़ी मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। इससे क्या है जरा सा आगे पीछे होगी तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ही प्लास्टिक में ही जर्क जाएगा, यानी कि जो जर्क हो गया प्रॉब्लम होगी। अब इसके नीचे का भी देखिए पूरा प्लास्टिक ही दिया गया है, ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त है आप देख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के पहिए की भाई, तो यहाँ पर आपको वंडर का यानी कि MREF का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, 215x60 का टायर का साइज है, 16 इंच की स्टील व्हील मिल जाती है, दोनों में डिस्क ब्रेक, ABS, CVD ब्रेक असिस्ट आपका सामने रहेगा। टायर की जो चौड़ाई है ये भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है आप देख सकते हैं, सस्पेंशन यहाँ पर आएगा और इसके जो हार्ड प्लास्टिक है इससे क्या है गाड़ी का स्पोर्टी फील आता है भाई। इंडिकेटर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, ORVM यहाँ पर इस तरह से, और कलर आपके सामने है रेड कलर है, डोर के जो हैंडल्स है वो भी आपको बॉडी कलर पे, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 55 लीटर है पेट्रोल, 60 लीटर है CNG, अभी आपको दिखाते हैं। और LXi में बताओ शार्क फिन एंटीना दिया गया है और यह आपका आपका स्पॉयलर शार्क फिन एंटीना, और ये आपका आएगा विंडो पीछे की विजिबिलिटी, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो अंदर से बाहर से सब CNG सुजुकी की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रेजा बढ़िया 3D क्रोम के साथ, ये LED टेल लैंप आपको मिल रहा है, बताइए LXi यानी बेस मॉडल में भी रेड कलर पूरा बढ़िया LED टेल लैंप आपको मिल रहा है, इंडिकेटर बल्ब पे और पायलट लाइट रिवर्स लाइट भी बल्ब पे रहेगा ये, और यहाँ पर भी ये देखिए टेल लाइट, ये आपका देखिए पूरा बढ़िया ब्लैक फिनिश, ये देखिए ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त है, 4 पार्किंग सेंसर पीछे, 2 रिफ्लेक्टर, ये देखिए ये सबसे अच्छी बात है भाई कि 4 पार्किंग सेंसर भी पीछे दिया गया, देख रहे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, गजब। नंबर प्लेट यहाँ पर आएगा, लाइट भी इसकी दी गई है। अब बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बटन रहता है, इसको आप प्रेस करके खोल सकते हैं, यह है नंबर प्लेट की लाइट। अब ये देखो पार्सल ट्रे LXi में मिल रहा है,
और क्या चाहिए, देख रहे हो पार्सल ट्रे मिल रहा है और यहाँ पर आपको बूट स्पेस इस तरह से मिलेगा। बट इसमें बूट स्पेस ज़्यादा इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी सीएनजी में है जो कि 60 लीटर रहता है। तो बाकी अगर आप वैसा बूट स्पेस देखेंगे इस गाड़ी का तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, बट यहाँ पर सीएनजी है तो इतना ही बूट स्पेस दिया गया। आप देख लीजिए इसी तरह से इस पर सामान आ गया, कुछ किट वगैरह दी गई हैं और स्पेयर व्हील भी इसी के अंदर दी गई है, स्टरा वाली जो स्टेपनी है, ठीक है, इसी के अंदर आएगा, ये तरह से देख सकते हो आप। तो और देखिए इसका तेल गेट भी काफ़ी अच्छा तरीके से ढका हुआ है बढ़िया प्लास्टिक से। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डोर कैसा खुलता है। ये देखिए इतना वाइड खुलता है, यानी कि पूरा चौड़ाई लेके ये ओपन हो जाता है, आराम से अंदर बाहर आप हो सकते हैं। और ये देखिए इस पर डिज़ाइन देखिए, इसे बिल्कुल न्यू वाली है 2025 मॉडल, इस पर देखेंगे ये पूरी फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, टेक्सचर डिज़ाइन, हैंडल इस तरह, चारों पावर विंडो मिल रहा है, स्पीकर की जगह दी गई है, बॉटल यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं डोर के लेबर्स, और चारों आपको मिल जाती है पावर विंडो यार बेस मॉडल में। ओहो इतना तगड़ा यार, एसी के वेंट भी देखिए बेस मॉडल में, एलेक्साई में भी आपको रियर में एसी वेंट मिल रहा है यार, ज़बरदस्त भाई। दूसरी साइड का भी सेम डोर आएगा इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन हेडरेस आपका ना इंटीग्रेटेड है ना, वो सपाट पूरा रहेगा, सीट बेल्ट आपको मिल जाती है, सीट इस तरह से रहेगी। और इंटीरियर देखिए ऊपर यहाँ पर आपको लाइट, हैंडल भी आपको तीन मिलेगा, और जगह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर ये पूरा ब्लैक आएगा, ये आप देखते हैं थर्ड विंडो भी इसमें आती है पूरी, इस तरह से गाड़ी आप देख लीजिए ये इस तरह से रहने वाली है। सेंसर नहीं आएगा यहाँ पे दोनों डोर के फ्रंट पे। अब यहाँ पर भी देखिए चारों पावर विंडो, यहाँ पर हैंडल इस तरह से, और यहाँ पर स्पीकर की जगह बढ़िया दी गई है, यहाँ पर चारों पावर विंडो, डोर के लीवर। अब बताओ यार बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पर ट्विटर की जगह दी गई है, देख रहे हो ट्विटर आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, और बताओ इसमें जगह भी दी गई है। ZXi में आता है ये चीज़ जो कि आपको LXi में मिल रहा है बेस मॉडल में, ये सबसे अच्छा बात है, पूरा यहाँ पर यह दिया गया है ताकि जो है गाड़ी के अंदर आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ ना मिले, काफ़ी अच्छा खासा आपको फील हो। और अब ये रहा इसका इंटीरियर देखिए, एसी के वेंट क्रोम देख रहे हो यहाँ पे बेस में, ये टेक्सचर डिज़ाइन पूरी ये देखिए इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर SRS के दो एयरबैग, और उसके बाद यहाँ पर आपका मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, इतना हैवी ग्लोव बॉक्स आपका इसके अंदर दिया गया है, जगह काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर स्पेस देखिए, जो आगे यहाँ पर बंदा बैठा होगा कितना बढ़िया इसको जगह मिलेगी, देख रहे हो सेंटर कंसोल ये देखिए आप पूरा, गियर लीवर वो भी क्रोम के साथ, और काफ़ी अच्छी पियानो फिनिश पे, यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की जगह है, और यहाँ पर देखेंगे तो भी अच्छा खासा स्पेस, हैंड ब्रेक आएगा, सीट बेल्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह, 12 बोर्ड चार्जिंग सॉकेट है देख रहे हो, और ये चाबी आप बताओ इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग का भी सिस्टम दिया गया है, ये सबसे बढ़िया। एसी हीटर सब आपका यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए एसी के वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे, यहाँ पर देखिए क्रोम यहाँ पर भी आएगा क्रोम, और ये म्यूजिक सिस्टम का सेटअप दिया गया है, अभी लगा नहीं है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं चाहे तो शोरूम पर, और म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो इसलिए स्टेयरिंग पर कंट्रोल नहीं है, बस खाली स्टेयरिंग पर आप कंट्रोल लगवा लीजिए तो समझ लो कि VXi यानी कि टॉप मॉडल वाला आप मज़ा ले सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, सिर्फ स्टेयरिंग पर कंट्रोल की कमी है, बाकी स्पीकर ट्विटर की सब जगह दी है वो आप लगवा सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ट्विटर दिया गया है। अब मेन डोर पे देखेंगे तो ऑटो सिस्टम भी दिया गया इसके अंदर, ये देखिए ऑटो सिस्टम है, चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक है, विंडो लॉक है, वार भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ का सिस्टम नहीं है। LXi यानी कि बेस मॉडल में इतना अच्छा खासा फीचर आपको दिया गया है इस गाड़ी के अंदर भाई, ये देखो यहाँ पर क्लच ब्रेक, एक्सेलेटर के साथ पैर भी रखने की जगह है, और यहाँ पर आगे का बोनट फ्यूल टैंक यहाँ से खुलेगा, सीट खाली एडजस्टेबल नहीं मिलेगी बस, और एसी वेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल से CNG, यहाँ पर लाइट एडजस्ट कर सकते हैं या लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाबी लगा के खाली सिस्टम रहेगा चालू करने का, पुश बटन स्टार्ट आपको ZXi से मिलता है। अब स्टीयरिंग देखिए यहाँ पर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लचर यहाँ पर 20 mm ID, और बाकी एनालॉग कंसोल ही पूरा रहेगा, घड़ी वगैरह सब आपका ये बताएगा, इस तरह से आप पूरा देखते हैं। वाइपर वाशर आपका दिया गया है, स्टीयरिंग देख सकते हैं क्रोम के साथ, स्विच की ब्रांडिंग, डी कट में स्टीयरिंग, और ये आएगा पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लचर, इस तरह से आपका रहने वाला है। आप चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, और इंजन आपको पहले बता दिए हैं, माइलेज भी आपको बता दिया है, तो गाड़ी की जो कीमत है वो ऑन रोड पड़ने वाली है 10,41,000 CNG में, 10,41,000 रुपये में आप समझ लो इतनी भारी SUV कार खरीद सकते हैं। यहाँ पर इंजन के डिटेल जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब अगर आप VXi खरीदते हैं, ये LXi है, तो 10,84,000 रुपये में VXi पड़ेगी, और ZXi टॉप मॉडल लेते हैं तो 12,56,000 रुपये में पड़ेगी, और VXi CNG में खरीदते हैं तो 12 लाख रुपये में पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, डाउन पेमेंट की बात करें सिर्फ 1 लाख में आप इस कार को खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।